क्या हो गया शनाज? आराम से बैठ, ऐसे बैठी जैसे अभी उठ के भाग जाएगी। हाँ तो बुआ, तुमने ही जरूरी काम का क्या क्या बुलाया है, वरना मैं इस तरह अपना घर बार अकेला छोड़कर, सारे काम छोड़कर तो आने वाली नहीं थी ना। बोलो। ओहो भाई, तो किस घर की बात कर रही है? जिसका घर है ना, वो तो अकेली घर में मौजूद है ना। बिल्कुल ठीक कह रही है बुआ। देखो बाजी, जब तक रफीक भाई जिंदा थे ना, तो तुम्हारा पूरा हक था उस घर पे, लेकिन अब तो बड़ा दुखता है दिल मेरा तुम्हारे बारे में। मैं ये बात नहीं कर सकता। आज तो सुल्तान भाई की मोहब्बत में तेरा ख्याल रख रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो जाएगा। अरे सोनिया भी अकेली है, कल को बच्ची वाली हो जाएगी तो उसके कदम घर में और मजबूत हो जाएंगे और तेरे कदमों के नीचे से मिट्टी खिसकती जाएगी, छलती जाएगी। समझ शना, समझ। देख मेरी बात मान, अक्कल से काम ले। तेरी बहन है सगी परवीन, इसकी शादी अगर सुल्तान से हो जाएगी ना, तुझे कोई खतरा नहीं, मैं तुझे बता रही हूँ। और ये तेरा बड़ा ख्याल करेगी, समझ। हालात फिर से हमारी मुट्ठी में होंगे। मैं यही बातें करने के लिए बुआ मुझे बुलाया है? अरे इसमें तुम्हारा ही फायदा है बाजी, सोचो और करो इस पे। सबसे पहले तो सोनिया की बच्ची को बाहर निकालो घर से, फिर जब तुम दोनों बहनें उस घर में आ जाओगी तो राज करोगी। राज क्या कहते हैं वो, 1 और 1 11, तुम लोग तो 12 13 14 15 भी हो जाओगी। और नहीं तो क्या? पता नहीं बाजी तुम मुझे क्यों अपना दुश्मन समझती हो, मैं तो इतना प्यार करती हूँ तुमसे, और अगर तुम मेरा साथ दोगी ना तो मैं सुल्तान को कभी वो वाली बात नहीं बताऊंगी। कह दूंगी कि मेरी गलती थी, मैंने ये पैसों की लालच में आके बेवफाई कर दी। हाँ सुन, तुझे पूरी दुनिया में ऐसी बहन नहीं मिलेगी। कितनी अजीम है ये, देखो जरा, किस्मत वालों को मिलती है इस तरह की अजीम बहनें। गौर करो, सोचो, हम तुम्हारे ही भला चाह रहे हैं, अपने हैं तुम्हारे। बात सुन, मैं तुझे फिर एक दफा यही बात कहूंगी कि परवीन की शादी सुल्तान से कर लेने दे, हो लेने दे। तेरा बड़ा ख्याल रखेगी, मैं तुझे बता रही, बड़ा ख्याल रखेगी तेरा ये शनाज, मान ले।